उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफ़ी कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था और इन मेगालोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था क्योंकि इन मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई लेकिन वो मछलियाँ तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई।